हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है, इस वक्त उनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं दिखाई देता। बहुत उथल पुथल मची हुई है और ऐसा है कि जो भी उन्होंने सोचा था कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, वैसा कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। और हो सकता है यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी है, या तो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है या फिर इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, ये भी हो सकता है। तो यहाँ थर्ड पार्टी के साथ तो अभी वो हैं, वहाँ से निकले तो नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये खुश दिखाई नहीं देते, वहाँ पर भी ये परेशान दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो इनके साथ परेशानी है वो थर्ड पार्टी की ही वजह से है, ऐसा भी कुछ के पर्सन के साथ हो सकता है। एक तो इनका काम कुछ सही नहीं चल रहा, जो भी ये करते हैं, जॉब हो या बिजनेस हो, वहाँ पर भी इनको परेशानी है। और जिस थर्ड पार्टी के साथ ये रह रहे हैं, वो फैमिली हो चाहे इनके हस्बैंड या वाइफ हो, या इनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर भी हैं जिनके साथ ये हैं, थर्ड पार्टी के साथ तो अभी दिखाई देते हैं, लेकिन उनके साथ ये खुश नहीं है, उनके साथ इनका रिश्ता सही नहीं चल रहा है। और जो भी चल रहा है इनके साथ, उसको फेस करने के बजाय ये उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी गलतियों को भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और पास्ट में भी जो इनके साथ हुआ है उससे ज़्यादा कुछ सीखे भी नहीं हैं, ऐसा भी है। इस इंसान को कोई सीख नहीं मिली, ये ऐसा है कि आज भी अपनी गलती नहीं मानते, ऐसा है कि आज भी इनको समझ नहीं आता कि इन्होंने गलती की जिसकी वजह से परेशानी इनको झेलनी पड़ी है। और जिनके भी साथ अभी ये जुड़े हुए हैं, थर्ड पार्टी के साथ ये भी जुड़े हुए हैं, उनको भी हर्ट करके रखा हुआ है इस इंसान ने। वो भी इंसान इनके साथ खुश नहीं है और ये उनके साथ खुश नहीं है। और अभी ऐसा है गाइस कि ये चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, अच्छा करना चाहते हैं, अपने काम को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा है। ये कुछ भी काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर ऐसा है कि गड़बड़ हो जाती है। जो भी करना चाहते हैं ये सोचकर करते हैं कि सब कुछ सही होगा, वहाँ पर गलत हो जाता है। तो इस वजह से इस इंसान को समझ नहीं आता कि करें क्या। और जो कुछ भी आपके पर्सन के साथ चल रहा है, उन्हीं के लिए गलत फैसलों की वजह से हो रहा है। और वो ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इन्होंने गलत फैसला किया है पास्ट में, जिसकी वजह से ये परेशान है। ये इस बात को नहीं मानते, इनको लगता है कि ये जो भी करते हैं वो सही करते हैं। ये अपनी किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन अपनी गलती ये नहीं समझते कि इन्होंने ही गलत किया है, पास्ट में गलत फैसला इन्होंने ले लिया, गलत इंसान को चुना या गलत रास्ते को चुना, ये भी कह दीजिए, क्योंकि थर्ड पार्टी भी सही नहीं है इनके लिए। थर्ड पार्टी के साथ ये परेशान इसीलिए है क्योंकि वो भी इंसान सही नहीं है। तो यहाँ पर कह दीजिए तो गलत रास्ते को चुन लिया, लेकिन अपनी गलती नहीं मानते। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी गलती अभी भी नहीं मान रहे। इनको लगता है कि इनकी किस्मत ही ख़राब है, इन्हीं के साथ सब गलत होता है, और ये कुछ भी करना चाहते हैं तो काम इनका बनता नहीं, ऐसा इनको लगता है। और आपके पर्सन के आसपास नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि अच्छी चीज़ भी इनको बुरी ही लगती है। इनको लगता है कि कुछ सही नहीं है, जो इनके लिए अच्छा होता है वो इनको लगता है कि इनके लिए गलत है। और यही सब के चक्कर में ये इंसान क्या करते हैं कि गलत रास्ते को चुनते हैं, और इससे इनका काम बिगड़ता है, फिर ये किस्मत को दोष देते हैं। और अभी भी वही है कि इनके आसपास निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये इनको समझ नहीं आता कि क्या इनके लिए सही है, क्या इनके लिए गलत है। और यह इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और पुरानी बातों को भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं, जो समय आपके साथ बिताया उसको याद करते हैं, और छुप छुप कर आपको देखते भी हैं। ये आपके सामने नहीं आते, लेकिन छुप कर आप पर नज़र बनाकर ये रखते हैं। आपके म्यूचुअल फ्रेंड से हो, आपके बारे में जानकारी लेते हैं, सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक करते हैं, तो छुप कर आप पर नज़र बनाकर भी रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं आप अपनी लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए, या कोई आपको नया इंसान तो नहीं मिल गया। तो ये सारी जानकारी भी वो लेते रहते हैं, भले ही आपको कभी भी ये शो नहीं करते कि आज भी आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, ये नहीं बताते, लेकिन आप पर नज़र बनाकर रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये जानना चाहते हैं।
क्योंकि ये तो आपसे अलग होकर दुखी हैं, कुछ भी इनके साथ सही नहीं है। तो ये जानना चाहते हैं कि आप इनसे अलग होकर खुश हैं कि आपकी लाइफ में भी परेशानी है या आपके साथ सब कुछ अच्छा है, तो ये जानकारी लेते हैं। और जब ये देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप ऐसा हो सकता है शो करते हैं, लेकिन आप मिस तो आप भी इनको करते हैं, आप भी चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए, ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए, और आप भी इनके बिना नहीं रह पाते, आप दुखी रहते हैं लेकिन आप दिखाते नहीं। आप अब ऐसा हो गए हैं कि ऐसे बन गए हैं कि आप खुश रहकर दिखाते हैं, कुछ भी पोस्ट वगैरह आप करते होंगे कुछ भी, तो आप ऐसा शो करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। तो ये सब ये इंसान देखते हैं तो जलते भी हैं। इनको लगता है कि आप इनके बिना खुश कैसे रह सकते हैं, आप इनके बिना रह नहीं सकते थे एक पल भी, और अब आज इनसे इतनी दूरियाँ बढ़ गई, बहुत समय से आप दोनों अलग हैं, ये आपसे बात भी नहीं करते, फिर आप खुश कैसे हैं इनके बिना। तो ये सब देखकर ये जलते भी हैं कि इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है और आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है। और आपको खुश देखकर इनको ये भी लगता है गाइस कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आपने किसी और को इनकी जगह दे दी और उसके साथ आप खुश हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और आपके साथ कोई भी परेशानी नहीं है, और ये है तो इन्होंने थर्ड पार्टी को चुना और इनके साथ कुछ भी सही नहीं है। तो ये भी इनको लगता है कि आपको शायद कोई और मिल गया है जिसकी वजह से आप इनकी तरफ नहीं बढ़ रहे, कोई पहल नहीं कर रहे और खुश हैं अपनी लाइफ में। और देखिए इनको ये भी लगता है कि आप भले ही अपनी लाइफ में अकेले रहें, ये आपका साथ खुद तो देते नहीं हैं, लेकिन अगर आपको कोई और मिल जाए तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और अभी ऐसा ही है, आपको खुश देख रहे हैं तो ये जल भी रहे हैं, इनको यही लग रहा है कि शायद आपको कोई और मिल गया है इसलिए आप इतने ज़्यादा खुश रह रहे हैं इनके बिना भी, इनकी ज़रूरत आपको महसूस नहीं हो रही, तो ये इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आया है। और अब इनको क्या लगता है कि आप की लाइफ में कोई नया इंसान आया है तो इनकी जगह अब ख़त्म हो चुकी है, अब आप इनको अपनी लाइफ में वापस नहीं आने दोगे, और ये क्या सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के बारे में। आपको ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है तो ये क्या चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ जाएं थर्ड पार्टी से निकल कर, तो इनकी लाइफ भी आप ही की तरह अच्छी चलेगी, आपके साथ ये रहेंगे तो ये भी ग्रो कर पाएंगे, अभी जितने ज़्यादा परेशान हैं ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं आपके साथ, तो इसलिए ये चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ जाए। पर वही है कि जब ये आपको खुश देख रहे हैं तो ये जल भी रहे हैं और इनको डर भी लग रहा है कि शायद ये रिश्ता कहीं पूरी तरफ ख़त्म तो नहीं हो गया, आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया या आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे तो नहीं बढ़ गए, तो ये इस डर की वजह से आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनको रिजेक्शन का डर है, इनको लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हैं, आपने पूरी तरह से अब यहाँ ऐसा है कि इस रिश्ते को छोड़ ही दिया, तो आप तो इनको रिजेक्ट कर ही देंगे, और आप इनसे आप अगर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आप इनसे साफ मना करेंगे कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या होगा कि हर्ट हो जाएंगे, इस डर से आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनको यही लगता है कि इनको आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए तो आप ही की जैसे इनकी भी लाइफ अच्छी हो जाएगी। और अभी आपके पर्सन कैसा है गाइस कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो चुके हैं, तो उन लोगों के साथ बात बात पर झगड़े करना और बहस करना अब यह इनकी आदत बन चुकी है, क्योंकि इनके साथ कुछ भी सही है नहीं, जहाँ पर यह है वहाँ खुश है नहीं, आपके साथ थे तो ये खुश रह पाते थे, आपसे इनको प्यार मिल रहा था, और आप ऐसे आपकी एनर्जी ऐसी है ये कितने भी परेशान रहें आपकी आपके साथ अगर थोड़ा सा भी समय बिता लिया या थोड़ी सी बात ही कर ली तो इनकी सारी परेशानी गायब हो जाती थी। और अभी जहाँ पर ये हैं वहाँ सिवाय झगड़े के और ऐसा कह दीजिए तो मनमुटाव है, तनाव है, इसके अलावा कुछ इनको मिल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में ये इंसान है, और पैसे की भी दिक्कत अभी इनको है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि काम इनका ठीक नहीं चल रहा है, उलझे हुए हैं इंसान पूरी तरह से, और ऐसा है कि जो भी काम कर रहे हैं वो सही तरीके से चल नहीं रहा है, इससे भी ये परेशान है। तो ये क्या है, बहुत चिड़चिड़े से हो गए हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज हैं कि आपसे कांटेक्ट करें या ना करें, क्योंकि आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं और करना चाहते हैं कांटेक्ट, तो इनको लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, तो रिजेक्शन का डर है इसकी वजह से कांटेक्ट कर नहीं पा रहे हैं। तो अभी वही है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज दिखाई देते हैं कि आपसे बात कर लें या ना करें, या अपनी लाइफ में ऐसा है कि जैसा चल रहा है ऐसे ही चलने दें और आपकी तरफ अब ध्यान ना दें, तो करें क्या इनको यही नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ये इनके मन में यही बात है कि आपके बिना रह तो पा नहीं रहे हैं, तो इनको लगता है कि एक बार कोशिश कर लेनी चाहिए, शायद आप मान जाओ और इनकी परेशानी जो रही है पास्ट में उसको आप समझ पाओ कि ये क्यों आपको छोड़कर गए थे, और अभी इनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये सब भी आपको बताना चाहते हैं, ताकि हो सकता है कि आप इनको माफ़ कर दो और अपनी लाइफ में आने का एक मौका दे दो। तो ये
करें क्या अभी समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और विचार कर रहे हैं कि कांटेक्ट करना है या नहीं करना है। तो अभी तो किसी तरह से कोई फैसला लेते हुए ये नज़र नहीं आते, अभी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा है कि ये इंसान की जो भी कन्फ्यूजन है ये ख़त्म होगी और ये आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। फ्यूचर में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि देखिए अभी ये थर्ड पार्टी से निकलने का विचार तो कर ही रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं है, तो वहाँ से निकल कर ही आपकी तरफ बढ़ने के बारे में तो सोच ही रहे हैं। तो अभी कुछ समय तो यही सब चलेगा कि ये इंसान तुरंत निकल जाएंगे वहाँ से, ऐसा नहीं है, इसमें समय लगेगा, लेकिन ये वहाँ से निकल कर आपकी तरफ बढ़ेंगे ऐसा भी है। फ्यूचर में तो यही दिखाई देता है, ये इंसान थर्ड पार्टी से निकल कर आपके लिए निर्णय भी लेंगे और आपकी तरफ वो बढ़ भी पाएंगे। अभी जिस तरह उलझे हुए हैं ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी होगी। आपको बस इतना ही करना है कि आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेस भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और खुद भी खुश रहिए और औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू।